अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। चलिए जी, आज मैंने जाना है यूनिवर्सिटी और मैं सोच रही हूँ आपको अपने साथ लेके जाऊँ। और ये मैं अपने कमरे से निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा कमरा है तो इसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमें बहुत गंदी बेडशीटें, फटी हुई बेडशीटें दी हुई हैं हॉस्टल वालों ने, बहुत ही पुराना स्टॉक रखा हुआ है। खैर छोड़िए इस बात को, सॉरी बत्तियाँ बंद करना ही हम भूल गए। यूरोप में पुट्ठा रिवाज है बल्बा ना, अपना कूड़ा चुक लो जो कि हमने रास्ते में फेंकना है और आगे चलना है। इतने बड़ा पुट्ठा रिवाज है बल्बा ना, पाकिस्तान में ये नीचे को बंद होता है, नीचे को ऑन होता है, यहाँ पे नीचे को बंद होता है, ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, साढ़ा उत्ते करें यहाँ बंद हो जाता है। खैर शुरू शुरू में तो यही कंफ्यूजन नहीं जाती। एक और ताला, चलिए जी। ये है मेरे इस हॉस्टल का कॉरिडोर पूरा, वो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है गेट हॉस्टल के बिल्डिंग का। इसके नीचे भी फ्लोर्स हैं, ऊपर भी फ्लोर्स हैं। मैं मिड में कहीं रहती हूँ, तकरीबन 8-9 फ्लोर हैं इस हॉस्टल के और 8-9 फ्लोर्स वाली इनकी तकरीबन 6 बिल्डिंग्स हैं। मैंने सब कुछ ले लिया है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। बाइसाइकिल रखने के लिए जगह, ये हॉस्टल का स्टूडेंट के लिए प्रिंटिंग मशीन है, वैसे तो पैसे दे के प्रिंट करते हैं। ये रिसेप्शन डेस्क, नोटिस बोर्ड, ये भी बाइसाइकिल स्टोरेज, ये है जी हॉस्टल का सामने गेट फ्रंट। एक हॉस्टल की बिल्डिंग ये है, एक इससे आगे है और एक जिससे मैं निकली हूँ, तीन सेम इसी तरह की आगे हैं, इस तरफ को आगे हैं जिधर आप देख रहे हैं। ये हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए ही पार्किंग एरिया है सारा। ये बेसिकली बिल्डिंग है मेरे हॉस्टल की जहाँ पे मैं रह रही हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी बास्केट्स पड़ी हैं जिनमें हम अपना कूड़ा आके फेंक जाते हैं। यहाँ पे किसी ने कपड़े जूते यूज़ देने हैं तो वो दे सकता है। यहाँ पे खुला कूड़ा फेंकने की इजाज़त नहीं है कि ले आओ बास्केट से बेच, शॉपर में बंद करके सब अपना कूड़ा ला के फेंकते हैं और फिर यहाँ से गाड़ी आके ले जाती है। चलिए जी, अपना कूड़ा सेक्टर का काम मुक गया, अब चलते हैं यूनिवर्सिटी। ये बिल्डिंग जहाँ से मैं गुजरने लगी हूँ अभी आपको सामने नज़र आ रही है, ये इनका कैंटीन है, रेस्टोरेंट जहाँ से स्टूडेंट अपना लंच डिनर टेक अवे वगैरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं कर सकते हैं। इनकी कैंटीन्स में डेली के जो है 7-8 आइटम्स होती हैं मेन्यू में, कुछ सूप के साथ कुछ सूप के बगैर भी ले सकते हैं आप, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह। आई थिंक ब्रेकफास्ट तो नहीं होता, लंच और डिनर होता तो स्टूडेंट अक्सर खाते हैं यहाँ पर। ये सी ब्लॉक है, मेरा डी ब्लॉक था। ये भी यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट टाइप है, ये सी ब्लॉक है, उससे अगला बी ब्लॉक है और उससे आगे ए ब्लॉक है, ठीक है। टोटल हो गए 6 ब्लॉक। ये हर ब्लॉक के साथ पार्किंग दी हुई है इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए। इन्होंने यहाँ पे अपने हॉस्टल्स में ये सर्विसेज भी दी हुई हैं जिसमें ATM है और वो वेंडिंग मशीन वगैरह पड़ी है। यहाँ पे पोस्ट बॉक्स भी लगा हुआ है जिसमें अगर किसी का लेटर पार्सल कुछ आए तो वो भी उसमें आ जाता है और वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। दिस इज द ए ब्लॉक। ये सारा इधर दरख्तों वाला एरिया, ब्लॉक्स के सामने काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं। अभी हम हॉस्टल के एरिया से निकल रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं।
ये शॉर्टकट है जो पैदल यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट। बाय बस भी जाता है रास्ता, अगर आप बाय बस जाएँ तो हार्डली 1.5 मिनट 2 मिनट लगते होंगे, क्योंकि हॉस्टल के बाद जो पहला स्टॉप है वही यूनिवर्सिटी का है। तो बस मेरे ख्याल से 1.5 मिनट ही लगता है, और उसके 24 चेक राउंड टिकट है, और जो स्टूडेंट हैं 26 साल से नीचे उनको डिस्काउंट पे 6-7 क्राउन की टिकट मिलती है, लेकिन हम अब 26 साल से ऊपर हैं तो मजबूरी है भाई, फ़ायदा कोई नहीं, पूरे 24 क्राउन की। और ये वॉक तकरीबन 20 मिनट की बनती है, तो चलो भाई फिर कोई कदम ही खुले हो जाएं। और ये सारा है एरिया जो कि अभी सर्दियों की वजह से उजड़ा उजड़ा नज़र आ रहा है, कोई हरियाली नहीं है। गर्मियों में काफ़ी खूबसूरत जगह लगती है, क्योंकि दरख्त हरे भरे हो जाते हैं, फूल पत्ते, और हवा अच्छी चलती है, ठंडा मौसम होता है गर्मी में। वैसे तक जो दो हिल्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि एक हिल के ऊपर हॉस्टल है और अगली हिल का जो है वो पैसेज वहाँ पर बनता है, आगे रोड को कनेक्ट करता है जहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। तो फिर एक दफ़ा नीचे उतर के फिर से ऊपर चढ़ने की बजाय ये दरमियान में उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ, क्या इसको यूज़ करें। सवेरे सवेरे 9 बजे यूनिवर्सिटी भी जाना बहुत ही औखा काम होता है, पता नहीं कहड़े प्रोफेसर होते हैं यार, सुबह सुबह बुला लेते हैं। और मैंने हाँ जी भी कह दिया, बाद में सोच रही थी यार एक दिन जाने से कौन था, मैंने जल्दी डिग्री कर लेनी है, कह देती भी मैं 10:30 बजे आऊँगी, नहीं मैंने भी हाँ कर दिया, पता नहीं किस शौक में कि जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा 9 बजे जाके। फिर सुबह उठते मौत पड़ रही होती है, खैर उठ गए थे और जाना तो था ही, 8:30 बजे मैं हॉस्टल से निकली हूँ, तो 20 मिनट का रास्ता आराम से पहुँच जाएंगे पैदल पैदल ही, और तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्लीप है, तो आपको चढ़ते हुए सांस चढ़ जाता है, क्योंकि हम आदी नहीं होते चढ़ाइयाँ चढ़ने के, लेकिन ये एक छोटा सा टोटा है, ये करने के बाद बाकी सारा रास्ता ऑलमोस्ट सही है, सीधा सीधा है, आसानी से चल लेते हैं। ये भी शुरू के आते हुए आप कुछ हफ्ता फील होता है, क्योंकि आप आदी नहीं होते, अदरवाइज तो ठीक है कोई मसला। मेरा आसपास लोगों के घर हैं, आबादी मेरी तो बस हो गई है, अरे दो भाई पीछे से आए हैं, आराम से ऊपर चढ़ भी गए हैं। यहाँ से हमें जाना है इधर, ठीक हो गया, ये हम चढ़ जाएंगे खुशोबा पे, रोड का नाम है जिस रोड के ऊपर यूनिवर्सिटी है। हम यहाँ से रोड क्रॉस करके अपनी साइड पे हो जाएंगे, ताकि हमें आने जाने में कोई मसला ना हो। आगे थोड़ा क्रॉसिंग दूर थी, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ आपको बता रहा है, जो सबसे ऊपर वाला है उसका मतलब है कि सिटी सेंटर वो भी इसी रोड पे आगे जाके है, कोई म्यूज़ियम है वो भी इसी रोड पे आगे जाके है, और जो ज़ू है इस सिटी का वो यहाँ से हमें राइट टर्न करना पड़ेगा पीछे से, जहाँ से मैंने रोड क्रॉस किया था वहाँ से, और कोई बोटैनिक पार्क है वो भी उसी साइड पर है, और थल्ले वाला पता नहीं की ऑप्शन है। पहले दिन मैंने सोचा चलो जी यूनिवर्सिटी चलते हैं पैदल, शॉर्टकट एक्सप्लोर करते हैं किधर है क्या है, आते हुए तो मैं पहुंच गई सीधा सीधा, वापसी पे जाते हुए मैं भूल गई किस गली से रोड से नीचे उतरना था, काफ़ी सारी गलियां थी, मुझे सेम ही सारी लग रही थी, और मैं आगे चलने लग गई, चलती गई, मैं कहूँ इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी तो नहीं, मैं किधर को जा रही हूँ, कहीं क्या हुआ है क्या नहीं। खैर क्योंकि मैंने सिम नहीं ली थी, इंटरनेट नहीं था मेरे पास, फिर मैंने मोबाइल खोला, लोकेशन ऑन करके अपना GPS चेक किया कि मैं हूँ एक्चुअली कहाँ पे, और तो फिर मैंने देखा जहाँ से टर्न होना था मैं वहाँ से काफ़ी आगे आ गई थी। खैर फिर वहाँ से भी छोटी मोटी गलियाँ नीचे जाती थी, कनेक्ट होती थी, और मैं उन गलियों में से होते हुए वापस हॉस्टल पहुँच गई। तो सुबह आते हुए एक्चुअली मैं आस पास देखने में बड़ी मसरूफ़ थी, ज़रा गौर कर रही थी आर्किटेक्चर पे, चीज़ों पे,
और दूसरा ये कि उस दिन स्नोफॉल काफ़ी हुई हुई थी और वो हार्ड हुई हुई थी, जिसके ऊपर चलना ज़रा डेंजरस होता है, यानी कि वो स्लिपरी ज़्यादा हो जाती, आइस बन चुकी थी, हार्ड हो गई। तो मेरा तो कुछ फोकस रास्ते पे भी था, तो मैं एग्जैक्टली कोई निशानी रखना भूल गई कि कहाँ से मुझे टर्न होना है। खैर फिर मैं पहुँच गई थी। तो आपके साथ कभी ऐसा टाइम आए तो अखा खोल के कई दफ़ा वापस चलना पड़ जाता है, वहाँ से आगे कोई मज़ीद शॉर्टकट नहीं मिलता। यहाँ से सामने आपको पता नहीं नज़र आ रहे होंगे कि नहीं, लिबरेट्स की छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जो कि गर्मियों में लोग काफ़ी जाते हैं हाइकिंग के लिए यहाँ पे। और यहाँ से नज़र आ रही बहुत छोटी हैं, हमें तो पाकिस्तान में नीलम वैली और गिलगित बल्तिस्तान वो सारे हिमालय देखने की आदत है, ये तो पहाड़ी क्यों नहीं लगती हैं, बहुत ही छोटी हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आता इनको देख के। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो माउंटेंस हैं, लेकिन फिर भी हाँ इनके पास हैं, लोग सब जाते हैं गर्मियों में इंजॉय करते हैं और समर में जो है मेरे ख्याल में टूरिस्ट भी आते हैं इस सिटी में। आजकल तो अगर ज़्यादा स्नो हो, अब तो इतनी स्नोफॉल हो नहीं रही, लेकिन जब स्नोफॉल होती है तो लोग यहाँ स्कीइंग के लिए भी जाते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं स्कीइंग के लिए। तो दिस इज़ द एरिया, हम ऑलमोस्ट नियर टू यूनिवर्सिटी हैं। ये सामने आपको जो नीली तरपाल वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, हाँ जी ये तरपाल लगी हुई है, कोई रंग शंग नहीं है, शायद उसको रिपेयर कर रहे हैं कुछ। इसके नीचे ये है जी शॉप है, वाइन शॉप है, ठीक है। अब ये रोड आप नीचे चले जाएं तो एग्जैक्ट ये रोड पे चलते चलते आप यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने पहुंचेंगे, ठीक है। और मैं जा रही हूँ इस शॉर्टकट से इधर को, ये शॉ जो है छोटा सा रोड है, ये एन बिल्कुल यूनिवर्सिटी के दरमियान में जाके ओपन होता है। तो यहाँ से आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ पहुँच के। तो जी बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, वो कोई दो खिड़कियाँ से भी नज़र आ रही होंगी, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही है। यहाँ पे एक्चुअली मैं कह रही थी कि ये रोड बिल्कुल बीचों बीच यूनिवर्सिटी के जाके लगता है। यहाँ पे चक्कर ये होता है कि पाकिस्तान में जैसे हम पहले चारदीवारी करते हैं, एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, फिर उसके अंदर से शुरू करते हैं अलग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनती किसी भी बिल्डिंग के आसपास, डायरेक्ट बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो जस्ट उस बड़े सारे ग्राउंड में आप कह लें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम हैं, नंबर हैं, जो भी है, इसलिए ये छोटा रोड डायरेक्ट जाके एक बिल्डिंग के पास ख़त्म होता है जो कि यूनिवर्सिटी के बीच में कह लें आप बनता है। तो ये रोड बेसिकली उस बिल्डिंग को लगता है जिसका नंबर है, जिसका नाम है कह लें बिल्डिंग जी। और मेरा इस बिल्डिंग से सिर्फ इतना लेना देना था कि यहाँ पे जो मोबिलिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि इरास्मस वगैरह में, एक्सचेंज में, उनको उनके कोऑर्डिनेटर्स वगैरह यहाँ बैठते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले ऑफिसेज हैं यहाँ पे, तो यहाँ आके आपने एक दफ़ा आते ही हाज़िरी लगानी होती है क्योंकि आपने कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं, डॉक्यूमेंट साइन वगैरह, तो वो यहाँ पे होते हैं। मैं अभी एक ही दिन आई थी, उसके अलावा बस यहाँ से गुजरने का ही काम लेती हूँ और कुछ नहीं। और भी है यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी है मेरे ख्याल में, पता नहीं मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, बट ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है ये इस बिल्डिंग का फोर्थ फ्लोर है। ये सीढ़ियाँ जो हैं फोर्थ फ्लोर तक चढ़ती हैं, वैसे तो लिफ्ट भी आती है। तो जैसे ये हमें जो सामने नज़र आ रहा है एरिया, इसमें सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम नीचे को जाएंगे तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल हमें ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएंगी। एक इस बिल्डिंग की ये एंट्रेंस है, दूसरी ये एंट्रेंस है, और अब हम ये सीढ़ियाँ नीचे जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये बिल्डिंग जी है, बिल्डिंग जी यहाँ से सीधा जाके वो जहाँ पे आगे गाड़ियाँ नज़र आ रही वहाँ से इस साइड पे हो जाए राइट साइड पे, तो बिल्डिंग एल आती है, एल, और ये शायद
रेक्टर ऑफिस है, उसके बैक साइड ऐसा कुछ चक्कर है, और वो बिल्डिंग E2 है, वो जो पीछे करके बनी हुई है, और ये है इनकी मशहूर ज़माना बिल्डिंग F2, जिसके अंदर कैंटीन रेस्टोरेंट वगैरह है, जो स्टूडेंट कार्ड बनवाते हैं, जब आप यहाँ पर आके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनते हैं तो आपकी तस्वीर वगैरह जो बनती है कार्ड शॉप, वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पे एक और शॉप है जहाँ से आप तोहफे तहाइफ ख़रीद सकते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, सोवीनियर शॉप। और ये वाली जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ग्लास वाली, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को ब्रोशर्स वगैरह पर शो करते हैं, लगाते हैं ये वाली, और यानी कि एक सिंबल ही बन गया हुआ इस यूनिवर्सिटी का ये। और मुझे लगता है सारा यूरोप में सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एक एक नई बिल्डिंग बनाई हुई है, जिसमें अच्छे ग्लासेस शीशे शीशे लगाए हुए हैं, उसको हर जगह चेप देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को शो करने के लिए। और जो बाकी सारी बिल्डिंग होती हैं वो सारी पुरानी होती हैं, जैसे कि ये, मतलब देख, ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, नई नई कंस्ट्रक्ट हुई हुई, वैसे उनकी रेनोवेशन हुई है, अच्छी हैं बाहर से सूरत हाल। मैं ये बात इसलिए कह रही थी क्योंकि KTU में भी सेम ऐसे ही सारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं, और एक उन्होंने बिल्डिंग नई बनाई है चकाचक शीशे वाली चमका के रखी हुई है, जहाँ कहीं KTU का नाम लगाना होता है, किसी कॉन्फ्रेंस का लोगो बनाना होता है, ब्रोशर छपना होता है, कुछ भी उसमें वो चिपका देते हैं। ये एंट्रेंस है इस बिल्डिंग की जी, ये भी स्टूडेंट्स के लिए और शायद टीचर्स वगैरह के लिए, सबके लिए पार्किंग यूज़ करते हैं। वो बिल्डिंग सी है वो वाली, वैसे तो ये मैप भी लगा हुआ है यूनिवर्सिटी का, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, अगर किसी को ना समझ आए तो यहाँ देख सकते हैं। और फाइनली मेरी फैकल्टी आ गई है, ये है बिल्डिंग बी, और इससे अगली वो जो मरून छत वाली है वो है बिल्डिंग ए। तो आज के लिए दैट्स ऑल, आपको मैंने यूनिवर्सिटी पहुँचा दिया, होप सो वापस जाते हुए आप मेरी तरह गुम नहीं होंगे और ठीक तरह पहुंच जाएंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ना भी पसंद आए तो प्लीज़ करें, क्योंकि बड़ी आपके लाइक्स की और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।